Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. जब से तुम और व्यान बात करने लगे हो तुम्हारे बारे में हर चीज टुकड़ों में पता चली है मुझे अब ये भी तो जानना पड़ेगा कि जो सुना है वो सच है या नहीं तेजी तुम लोग निकलो मैं कुछ वक्त कथा और आरव के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ मासी मैं भी रुचा नो आज सिर्फ कथा और मैं ओके I'm so sorry, Kavita ji. मैंने सारा प्लान बना लिया and I didn't even ask you. Please excuse me. बिल्कुल माया जी. अपना ही घर समझिए. इसमें पूछने की क्या बात है? Please. Thank you. चलें. Come. वैसे आप अगर मुझसे और आरव से हमारे घर में मिलने आती तो और अच्छा होता. उस घर में हम दोनों ने बस अपनी दुनिया बनाई हुई है। I don't know कथा तुमसे किसी ने पूछा या नहीं, पर क्या तुम खुश हो बेटा? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इतना कि I don't think उससे ज़्यादा खुश होने की कैपेसिटी है मुझ में। वो इतना तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? Could you sit? Oh. See, Katha, मुझे पता है व्यान बचपन से बहुत बैगेज लेकर चल रहा है यू नो मैं छोटी सी उम्र में अपने डैड को खो देना वो भी किसी दूसरी औरत के लिए Too much for a child. बहुत देखा उसने बहुत छोटी उम्र में उसकी सोच औरतों को लेकर you know, I guess मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये व्यान का पहला रिलेशनशिप है मुझे पता भी नहीं था कि उसके अंदर ये सारे इमोशंस हैं यू नो मैं पहले जब व्यान को देखती थी तो he was a businessman. उसकी आंखों में मुझे सक्सेस की चमक दिखती थी जीत लेकिन आज आज उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मासी व्यान अपना इमोशनल बैगेज सब पीछे छोड़ चुके हैं अब वो आजाद है एकदम फ्री अब उन्हें अपने फादर और सीमा जी के रिलेशनशिप की सच्चाई पता है और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और व्यान वो तो हमेशा से बहुत साफ दिल के रहे हैं एक प्योर सोल इतने सालों के गुस्से से उन्होंने अपने आसपास एक एक शेल बना लिया था और जब वो शेल टूटा तो खूबसूरत इंसान जो जो कहीं छिपके बैठा था वो सबके सामने आ गया और ये खूबसूरत चेंज कौन लाया है आई थिंक आई नो है कोई एक बहुत ही समझदार लड़की कथा मुझे तुम बहुत इंट्रीगिंग लगी बहुत इंटरेस्टिंग मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ एवरीथिंग छोटी बड़ी बात एवरीथिंग एवरीथिंग ताकि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सके ओके ये मौज नहीं है पेरिस में कमन कमन लेट्स सी हू फिनिशेस फर्स्ट नाव के लिए पानी लग गया चुके चुके आप ठीक है yeah, I'm fine. उस तेरे आरफ को देखकर मुझे मेरा छोटा व्यान याद आ गया अपने आप को आन अरुवंशी बुलाया करता था आन अरुवंशी अब मैं उन्हें बहुत छेड़ने वाली हूँ उस बात छेड़ना जरूर छेड़
मैं तुझे और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी उसके बचपन की जो मुझे तेरे आरव को देख देख कर याद आ रही है। ऐसे ही था वो, कह रही हूँ, बहुत ख्याल रखता था मेरा। मुझे नहीं पता होता था मुझे क्या चाहिए, उसे पता होता था। ऐसे ही भाग भाग कर चीजें लाया करता था मेरे लिए। आप रुक जाइए ना उनके पास, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही। हाँ, लेकिन जब वो मेरे आसपास बचपन में था ऐसा नहीं था, वो सहमा सहमा रहता था, चुप चुप। प्यार की जरूरत थी उसे, प्रोटेक्शन की, सो फ्रेजाइल। और तब से लेकर अब तक मैंने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है उन चीजों से, उन लोगों से जो उसके लिए सही नहीं है। माँ हूं ना, बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की इंस्टिंक्ट हमेशा वैसी रहती है। और अब तो मेरे दो और बच्चे हो गए हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम और आरव। मासी, थैंक यू, इसकी जरूरत ही नहीं थी। आई एम ओके, कम ऑन, सिट हियर, सिट हियर। टाइम दे, तुम लोग के साथ वक्त का पता नहीं चला। ओके, आई मस्ट गो नाउ। नो, प्लीज स्टे हियर, स्लीप ओवर, बहुत सारे मजे करेंगे। बिना प्लानिंग के स्लीप ओवर कैसे करें? प्लानिंग के साथ करेंगे ना, घर में ना कैंप लगाएंगे। Only you and me. Don't tell anybody our secret. तब तक be a good boy और पापा की तरफ से मम्मा का ध्यान रखना और अपना भी। Bye मासी। Oh बाबा। I'll see you soon. Okay? Dream just like. I'm gonna finish this on the way. आरव तो अभी कहाँ सोता है? वहीं बेडरूम में मम्मा से झप्पी पाके, और कहाँ सोऊंगा? और कुछ दिन में तेरे पापा आ जाएंगे, फिर कहाँ सोएगा? उन दोनों के बीच में दोनों से झप्पी पाके, हे भगवान आरव, बड़े बच्चे मम्मी पापा के साथ थोड़ी ना सोते हैं। माया, अब तो मैं भी मम्मी पापा के साथ नहीं सोता। पर क्यों? क्यों क्या, हम बिग बॉयज हैं और बिग बॉयज अपने रूम में सोते हैं, और क्या? मैं तो कभी अकेला नहीं सोया, तुम दोनों को डर नहीं लगता क्या? एक दो दिन लगा था, फिर लगना बंद हो गया। ठीक है, फिर मैं भी अकेला सोऊंगा, डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। अरे बिग बॉय से डर भी डर जाता है, ये हुई ना बिग बॉय वाली बात। बस हमें एक काम करना है, कथा और व्यान के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। ये जो दोनों इतनी अंडरस्टैंडिंग और कंसिडरेशन दिखाते हैं ना एक दूसरे के लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक दुखती रग है दोनों के बीच में जिस पे हाथ रखते ही बहुत दर्द होगा। हमारा प्यारा पोता आरव। फुल शादी वादी के कपड़ों की तैयारी हो गई। दिया, फाइनल। थैंक यू सो मच। ओके देन, सी यू। या, सी यू। बाय बाय। I think I left my phone in your bag. देखिए एक बार। व्यान क्या कर रहे हैं, आपको याद आएगा? चुकिए, आने दो। अरे माँ इस टाइम घर पे होती है, वो आ जाएंगी। यून बेटर, देखने दो। और बच्चे देख लेंगे तो? बच्चे, बहाने, इतना सन्नाटा है, बच्चे तो है नहीं यहाँ। पापा। नमस्ते। खेल, हम कुछ खेल थोड़ी रहते हैं, मैं बस उनको ड्रॉप करने आता हूं। आप लोग बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं अंकल, हम थोड़े इम्पोर्टेंट मेंटमेंट टॉक कर रहे थे। जो हो गया
तो अभी हम जा रहे हैं, बाय, मिलते हैं अरब, बाय बाय बाय। इतनी सीक्रेटिवली क्या बातें चल रही थी? वो हम फ्रेंड्स के बीच की सीक्रेट बात चल रही थी। हाँ राइट, कूल तो फिर मम्मा को नहीं बताना है, पर मैं तो आपका फ्रेंड हूँ ना, रॉबिन को तो बता सकते हो? ना 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 ना, वो फ्रेंड नहीं, पापा, इसलिए सीक्रेट। ये सीक्रेट सीक्रेट खेलने के लिए तुम अभी ज्यादा छोटे नहीं हो, कॉरिडोर में भागने के लिए आप दोनों ज्यादा बड़े नहीं हो। बताओ जल्दी, क्या बात है? तो हम ये बात कर रहे थे कि हाय मासी। कथा, आज शाम को इफ यू अलाउ मी, मैं आरव को थोड़ी देर के लिए अपने साथ घुमाने ले जा सकती हूँ? आई रियली लाइक दैट। हाँ बिल्कुल मासी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो एकदम खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपकी मासी तो बहुत कूल है, और आज शाम वो डेट पे जा रही है आरव के साथ। शी इज प्रीटी कूल दैट वे। ओके चलो मैं निकलता हूँ। अच्छा पहले ढंग से खड़े हो। मंकी यार, सीधा खड़े रहना। अच्छा सुनो, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना, कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं करना, ओके? बी नाइस, ओके? बिल्कुल ग्रीडी मंकी नहीं बनना है, ओके? ओके ओके। हेलो मासी, हाउ आर यू बच्चा? गुड। हेलो, हाय। चलो बैग लेके आओ। ऑल सेट, आप आइए ना। मैं क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा घर देखने के लिए। व्यान तो उसकी तारीफ करते थकता नहीं है। मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं, बहुत सुंदर सजाया तुमने। हाँ, सो कोजी, सो वार्म। शाम को थक हार कर काम से घर वापस लौटने वाला घर लगता है वो। आई बिलीव के 1 BHK हो या बंगला, घर हो तो ऐसा हो, है ना? थैंक यू सो मच मासी, मैं जल्दी आपको अपने घर ले चलूंगी। श्योर, रेडी? चलो लेट्स गो देन। खूब मस्ती करना, लेकिन इनको बिल्कुल तंग नहीं करना, ओके? तुम बारी चले, चलो मासी, हगी, बाय बाय। बंदा रहिए, लेट्स गो, बाय बाय मम्मा, बाय, हैव फन। खड़े क्या हो गोपाल, ये छोटे मालिक हैं, आरव बाबा। हाँ बैग उठाओ उनका। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा। आरव रुको बेटा, स्टाफ का काम होता है हमारी सेवा करना, ओके? उनके होते हुए तुम्हें बैग उठाने की जरूरत नहीं है। अब आदत डालो, स्टाफ को यूज करने की आदत होनी चाहिए तुम्हें, ओके? कोई भी काम बेझिझक स्टाफ को बुला लेना, ओके? Now be a good boy and give him your bag. Okay, Masi. ये लीजिए अंकल। Good boy. Masi, मार के बैठो। No. Come here. आगे staff बैठता है, मालिक पीछे बैठते हैं। आप क्या हो? मालिक हो ना? तो आप हमेशा पीछे बैठोगे, okay? Yes. चल, get in the car. Thank you. हेलो दीदी, आपको पता है एहसान क्या कर रहा है? वियान और कथा के रोके की फोटो को हॉल में लगा रहा है। कथा की हंसी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझ पर हंस रही है। कितनी मेलोड्रामेटिक है तू यार, प्लीज हैंग अप नाउ, मैं बहुत बिजी हूँ, ओके बाय। अरे अच्छा आरव, ये बताओ कौन से स्कूल में जाते हो आप? सेंट जो स्कूल में, हमारे एरिया का बेस्ट स्कूल है। गुड, आपके पापा है ना, ब्लू आईवी इंटरनेशनल स्कूल में जाते थे। वो मुंबई का बेस्ट स्कूल।
आपको भी वहीं पढ़ना चाहिए था. After all, you deserve the best. फिर वो आपके पापा का स्कूल भी तो है. But मेरे सारे दोस्त सेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं. So what? हम सबको आपके नए स्कूल में डलवा देंगे. ठीक है? सच में? अच्छा ये बताओ, पॉकेट मनी कितनी मिलती है हर रोज? 0 rupees per day. What? मम्मा कहती है मुझे पैसे नहीं रखना चाहिए, और जब जरूरत पड़ती है तो वो दे देती है. वैसे तो वही सब स्पेंड करती है. वैसे मेरा मानना है कि हर इंसान के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, चाहे वो 8 years का हो या फिर 80. अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप स्पेंड करना सीखोगे वाइजली, है ना? कोई बात नहीं, जब आपके पापा मम्मी की शादी हो जाएगी तो मैं आपके पापा से कहूँगी हर महीने आपको फिक्स्ड पॉकेट मनी देना शुरू कर दें. फिर आप उस पैसे से जो मर्जी करो. हाँ, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखो या फिर अपने टॉयज खरीदो. एंड बेस्ट ऑफ ऑल, आप मनी सेव करके मम्मा को उनकी फेवरेट चीज खरीद कर गिफ्ट कर सकते हो. और कभी कभी कोई चीज खरीदनी हो और मम्मा पापा को नहीं बताना हो तो वो भी कर सकते हो. सच में? देखो, अब तुम रघुवंशी फैमिली के सक्सेसर हो तो आगे जाकर ये बिजनेस, ये एम्पायर सब तुम्ही को तो संभालना है, तो तुम्हें अभी से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, राइट? जान की शादी हो रही है यार. पता मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये राज यार. मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी टेंशन खत्म हुई. सही बात है, और तू हमेशा गुआरा रहने वाला है ना. वैसे आई होप कि तुझे ये बात पता है कि जब भी तू ये लाइन बोलता है किसी को तो कोई भी भरोसा नहीं करता तुझ पे. अच्छा सुन, मुझे एक बात बता, सच सच बताइयो. पूछना भाई. तुझे वान्या पसंद है ना? तुम लोग तो वान्या के नाम के पीछे पड़ गए हो यार. अरे सच्ची भाई, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है ऐसा वैसा. अरे मुझे क्या, वो तो बस ऐसे ही रोके पे किसी ने मुझसे पूछा तो बस. क्या कि भाई कौन लड़की है, क्या है, सिंगल है, किसी का चक्कर वक्कर तो नहीं है, बस ऐसे. किसने पूछा था? नहीं मतलब हमारी साइड से शायद, तुम्हारी साइड से? आई एम श्योर हमारी साइड से कोई होगा नहीं, तुम्हारी साइड से होगा. कौन? छेड़ ना यार, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू थोड़ी ना उसमें इंटरेस्टेड है. छोड़ छोड़, ऐसे ही पूछ रहा हूं भाई, जनरल नॉलेज के लिए. पता होना चाहिए, अरे लड़की हमारे घर की है तो आइडिया होता होना चाहिए. हां बेटे, जनरल नॉलेज है तो बोल कुछ और, तेरा चेहरा कुछ और बोल रहा है. वही देख, क्या है ना कि आशिकी हमने भी की है और रज के की है, तो इसलिए यार एक बात बताऊं, ये आंखें और जो चेहरा है ना, ये बहुत कुछ बयां कर देते हैं. अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुझे आशिकी की बात हो रही है यार. अच्छा ब्रो, व्यान सब ब्रदर, एक सच्ची आशिकी बात चल रही है, मतलब तेरी बात चल रही है काके. दैट्स ट्रू. और क्या बात है, चेहरा खूब चमक रहा है. Man. पता नहीं क्या चल रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे स्माइल चिपक गई है चेहरे पे. दिख रही है? हल्का हल्का, लाइट लाइट, बट खुश खुश फील हो रहा है हर वक्त. इंतजार ही नहीं हो रहा है कि कब आरव और कथा घर पर आएंगे. बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार. आई डोंट नो व्हाट टू से. अरे तू कहे तो हम तेरी शादी कल करवा दे, प्लीज. एक बार शादी होने दे, फिर देखते हैं ये एक्साइटमेंट जो है कितने टाइम तक बरकरार रहती है. अरे तू अपने लिए खुद के लिए टाइम ढूंढने लगेगा भाई, पर डोंट वरी, हम दोनों तुझे यही मिलेंगे, इस एवरग्रीन बैचलर एहसन के घर. भाई शादी के बाद ना बहुत कुछ बदल जाता है. तू तो ऐसी बातें मत कर, वही घिसा पिटा शादी का ज्ञान दे रहा तू. अरे नहीं नहीं भाई, एक्सपीरियंस की वैल्यू कर. सॉरी सॉरी. हाँ प्लीज. सुनिए, हनीमून पीरियड के बारे में सुना है ना? बहुत मस्त होता है लेकिन छोटा होता है, और जिंदगी बहुत लंबी है. पता है बड़े बुजुर्ग ना एकदम सही कह गए कि बच्चे और बीवी हमेशा दूसरों के ज्यादा अच्छे लगते हैं. ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल बीवी पर मैं अपनी जान छिड़कता हूँ, रही बात बच्चे की, वो हम दोनों की जान है. यू नो व्हाट दैट मींस, वो इनसेपरेबल. युवराज मुझे क्या लग रहा है कि कथा ही होगी हम दोनों के साथ यहाँ पे. हाय मंकी, वेलकम बैक. वहां पे चिपक के क्या खड़े हो, इधर आओ, हगी दो.
बाय बाय अरु बाबा। बाय। What is this? मम्मा मुझे बताओ यहाँ आपका फेवरेट टॉय स्टोर कौन सा है? वंडरलैंड। वंडरलैंड, ओ वाओ, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वहाँ हर जगह टॉयज ही टॉयज हैं। लेकिन मम्मा उसे वेस्टलैंड कहती है। रियली? क्यों? मम्मा कहती है कि वहाँ सारे टॉयज बहुत ही ओवर प्राइज्ड हैं और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। मम्मा को छोड़, तुम मुझे ये बताओ वहाँ कौन कौन से टॉयज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? सारे। अगर मेरा बस चले ना पूरा स्टोर खरीद लूं। लेकिन मम्मा कहती है एक टाइम पे एक ही टॉय। एक ही टॉय? बट व्हाई? क्योंकि मम्मा कहती है एक टाइम पे एक ही टॉय लो और फिर उसे अपना पूरा अटेंशन दो और कई दिन तक उसी के साथ खेलो। लेकिन बेटा अगर आपको पूरा साल टॉयज के साथ खेलना हो तो इनफ टॉयज तो होने चाहिए ना। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास सारे टॉयज हो सकते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक रघुवंशी हो। Give me a high five. Yay! वो पहले मुझे स्टोर में लेके गई एंड देन उन्होंने पूछा कि क्या क्या पसंद है। मैं बताता गया और मेरे पेट पीछे कब उन्होंने ये सब खरीद लिया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उन्हें मना भी किया पर कल एक साइकिल भी आ रही है। मोटरसाइकिल ले लेते ना सीधे। मम्मा वो मैंने उनको बताया कि कैसे रॉबिन ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया और उन्होंने साइकिल भी ऑर्डर कर दिया। मम्मा प्लीज अब मुझसे गुस्सा मत होना। आप चाहते हो तो हम सारा रिटर्न कर देंगे लेकिन प्लीज प्लीज गुस्सा मत होना। मंकी आई नो आपकी कोई गलती नहीं। ओके चलो फ्रेशन अप हो जाओ। गो गो। आपको पता था इस वनडे कैंप की फीस 56,000? यस यस, बट आपको पता है उसमें क्या क्या है? देखो हॉर्स राइडिंग, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनर बुलाया उन्होंने जो स्पेशलिस्ट है बच्चों को ट्रेन करने में, एंड एवरी किड इज गोइंग टू गेट एक अलग सा पर्सनल सा मेंटर जो उसे गाइड करेगा। फूड इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग, 7-star caterers है, सो आई थिंक पैसा वसूल है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आरफ को एक सर्टेन तरीके से बड़ा किया। नो। और ये वनडे कैंप कितना महंगा है और ये सब कुछ एकदम से, ये आरव वो मेरी दुनिया नहीं है। I understand. I'm sorry. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कैंप का प्लान कैंसिल। हैप्पी? थैंक यू। मुझे सिर्फ ये लगा था कि आरव का करंट स्कूल इज फैंटास्टिक, आई गेट इट, बट अगर वो ब्लू आईवी के बच्चों से मिलेगा उसे एक नए दुनिया एक नए कल्चर का एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट्स इट। मुझे लगा था ये एक्सपीरियंस उसके फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो यान आप ये मत समझिए कि मैं आपके इंटेंशंस को डाउट कर रही। इट्स जस्ट 56,000। हमने कभी 500 रुपए के लिए भी स्ट्रगल किया है। मैंने और आरव ने एक बहुत ही अलग जिंदगी देखी है और अब अगर आरव अचानक से इतना सारा पैसा देखेगा तो पता नहीं वो क्या समझेगा। हो सकता है उसे पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाए अब, या वो हर चीज को बहुत आसान समझने लगेगा। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही? नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ की रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूं। कोई तुम्हारे एफर्ट्स को डाउट नहीं कर रहा है कथा बेटा। तुम भी तो समझती हो ना, जिस दिन से आरव हमारे घर में रहना शुरू कर देगा उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास का कल्चर पूरा बदल जाएगा। कथा, हमारा एक सर्टन लाइफस्टाइल है, एक सर्टन कल्चर है और अब आरव इस कल्चर का हिस्सा बनेगा। ब्लू आईवी स्कूल के बच्चों के कल्चर का हिस्सा बनेगा, उनसे दोस्ती करेगा। तेजी आंटी, आरव के पहले ही बहुत दोस्त हैं। ऑफ कोर्स कथा, लेकिन नए जगह पर आने के बाद नए दोस्त भी तो बनाने पड़ेंगे उसे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस कथा। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉरल्स, सच्चाई एंड हार्ड वर्क, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप जैसे चाहें आप आर्क को रेस कर सकती हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, बट आज का कॉम्पिटिशन तो आपने देखा है, यू नो अबाउट इट। हमारा तो फैमिली बिजनेस था, पूरी इंडिया में नंबर 1 फर्म थी, फिर भी बैठ के खाने वाली बात तो नहीं है ना। वी आर फाइटिंग एवरी सिंगल डे।
आरव को अगर एक अच्छा फ्यूचर देना है तो उसे अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। विआन, आरव एक बच्चा है। या एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में घुसना, उसे समझ के अब्सॉर्ब करना भी उसके बस की बात नहीं है। सी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी चेंजेस करने हैं ना, हम सब धीरे धीरे करेंगे। अभी से उसे कहना कि ये जो सर्वेंट्स हैं वो उसकी सेवा करने के लिए, या उसे इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिलाना, इतना कल्चरल शिफ्ट वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और कितनी बार सॉरी बुलवाओगे मुझसे तुम? मैंने उस दिन तुम्हें इस बात के लिए सॉरी बोला था ना। एनीवे, माय सजेशन इज पिछली बातें छोड़ो, आगे की सोचो। बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। माया मासी, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पैसे की वैल्यू ना करे। इतना सारा पैसा एकदम से देखकर वो बच्चा करप्ट ना हो जाए। कथा, अब परवरिश की बात हो ही रही है तो तुम बताओ, तुम्हारे सामने विआन खड़ा है, वो भी तो सिल्वर स्पून लेके ही पैदा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी परवरिश में हमसे कोई कमियां रह गई? कथा, विआन ने बचपन से ही बहुत नौकर चाकर देखे हैं, लेकिन एक बार के लिए भी उसने किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की है। दीजिए आंटी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। विआन ने नौकर चाकर पैसा सब बचपन से देखा है, और आरव, उसने हमेशा से अपना हर काम खुद किया। जब वो बच्चा बीमार भी था ना, तब भी वो अपना ख्याल खुद रखता था, क्योंकि उसकी माँ ऑफिस और घर के काम में बिजी होती थी। एकदम से इतना सडन चेंज, वो बच्चा बिगड़ सकता है। तो मैं उसका फादर होने के नाते आपसे वादा कर रहा हूँ, वो नहीं बिगड़ेगा। मुझ पे तो ट्रस्ट कर सकती है ना? आई ट्रस्ट यू, पर आरव के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और आपको लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? बाप हूं मैं उसका। और मैं उसकी माँ हूँ विआन, जब से वो पैदा हुआ है तब से। और आरव के बारे में कुछ डिसीजंस हैं जो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, पर ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। वजह से इतने दिनों के बाद मैं तेजी को इतना खुश देख रही हूं। लव यू। सच में दीदी, फरा मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी मैं। आज इतने दिनों बाद मन को थोड़ी सी शांति मिली है। लेकिन आप क्यों इतने चुप चुप खड़े हो? कुछ तो बोलो। बेटर स्टिल, celebrate with us. It's the time to do cheer. Yes, yes, yes. They join us. Come on. Raise it up. Stop laughing like school girls all the time. कितनी बार कहूँ मैं? My God, you guys. छोटी छोटी जीत पे खुश हो जाती हो? और मुंह बनाने में 2 सेकंड नहीं लगाती हो? Grow up. थोड़ा ठहराव लाओ गाइस, थोड़ा बैलेंस लाओ लाइफ में। गिव मी दैट। ये एक बहुत ही छोटा सा झटका था इन दोनों के लिए। आंखें नहीं खुली है इनकी। लुक, विआन और कथा दोनों बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं, ओके? अपने आप को लेकर, अपनी सोच को लेकर दोनों बहुत पक्के हैं। अभी इस वक्त उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, राइट? तो हम चाहे जो मर्जी करें, वो हमेशा एक दूसरे के पास खींचे चले आएंगे। अगर हम विआन को किसी तरह ये विश्वास दिला दें कि कथा उससे बहुत अलग है, कथा का वो साइड विआन के सामने ला दें जो उससे बर्दाश्त ही ना हो, इट्स इनटॉलरेबल,
तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यान खुद कथा से दूर दूर भागता फिरेगा। ये छोटे मोटे झगड़े ना, इनके सामने कुछ नहीं। देख लेना, एक दो दिन में फिर एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद हमें प्लान करके डिसाइड करना है कि क्या हम इस मुद्दे को और आगे खींचेंगे या फिर एक नया मुद्दा उठाएंगे। कुछ आया समझ में दोनों की? Cheers. I'm sorry. बेवजह आपसे नाराज होने के लिए, गुस्सा होने के लिए आपसे लड़के कहाँ ही जाऊंगी मैं। इतने सालों से आदत है ना अरव के लिए इतना प्रोटेक्टिव होने की, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही। I'm sorry. एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना भी प्रोटेक्टिव हो जाए कम है। और आप सॉरी बोल लो, आप अब कभी ऐसे ही रिएक्ट करोगी? आपसे बेहतर आरव को कोई जान ही नहीं सकता, तो आपसे बेहतर कोई और उसके फैसला कैसे ले सकता है? I understand. व्यान, आप उसके पापा हैं, और आरव के लिए फैसला लेने का हक अब मुझे आपके साथ बांटना पड़ेगा। तो मैं बांटना भी चाहती हूँ। पर पापा जी भी कब से ये ट्राई कर रहे हैं उस पर सब कुछ निछावर करने का, उसे इतने सारे गिफ्ट्स लाके देने का, पर मैं उसे वो परवरिश नहीं देना चाहती। लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है, तो मैं बस आरव को ना ऐसी परवरिश देना चाहती हूँ, इतना काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो लाइफ में अपने लिए प्रिविलेजेस खुद क्रिएट करे। मैं जब आरव से स्पोर्ट्स क्लब में मिला था, मुझे पता नहीं था ये मेरा होने वाला बेटा है, तो मैं एक बहुत ही काबिल, लविंग और इंटेलिजेंट बच्चे से मिला। कोई बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं है। एंड मैं उसे लाइफ के कुछ कंफर्ट्स देना चाहता हूँ, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू मैं उसे बिगाड़ूंगा नहीं। No, I'm serious. You know what? मैं उसे कुछ भी ना सिल्वर प्लेटर पे रख के नहीं दूंगा। You have my word. तो एक काम करते हैं मिस्टर अखुंज। Yes. पेरेंटिंग पे ना एक किताब लिखते हैं। हाँ जी, तो पहली लड़ाई सॉल्व हो गई। कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी मम्मी तो आज भी लड़ती है मेरे से। हाँ, लेकिन आज भी इन्हीं की गलती होती है। देखो बेटा, ये तुम दोनों की पहली बड़ी लड़ाई थी, और मान के चलना कि आखिरी नहीं होगी। तो जैसे इस लड़ाई को प्यार से सुलझाया है, आगे भी हर लड़ाई को ऐसे ही सुलझाना। लड़ना भी गजवज के और सुलह भी करनी है गजवज के। समझ गया? और बेटा, वैसे भी सियाने कह गए, लड़न रात होवे, विछड़न रात ना होवे।
पर बेटा याद रखना, कोई भी लड़ाई आगे ना टले, आज का किस्सा आज ही खत्म। हैप्पी मैरिड लाइफ का जादुई नुस्खा बस इतना सा ही तो होता है। जी बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आपकी बात याद रखूंगा। थैंक यू फॉर दैट। ओके, सुलह हो गई है पर एक जरूरी काम बाकी है, चले। कहाँ? माँ और मासी से बात करना है। यार क्या क्या वाइब है जगह की, लिटरली टाइमलेस। यू नो यहाँ पे बसी प्रेम कहानियां तो अमर हो गई होंगी यार। पता है भाई, आई रियली होप यार इस मॉन्यूमेंट की तरह ना विहान और कथा की कहानी भी हमेशा अमर रहे और दोनों ना हमेशा साथ में रहे यार। वाओ यार, मैं कितनी अच्छी बातें करता हूँ यार। मैं तो इतना प्यारा नहीं हूँ, लेकिन हाँ शादी के सारे फंक्शंस के लिए ना ये जगह बेहद खूबसूरत है। भाई शादी के सारे फंक्शन नहीं, इनफैक्ट शादी भी यहाँ पर हो सकती है। ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड। हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं लेट हो गई। एक्चुअली मैं अपने वास्तु कंसल्टेंट के साथ वेडिंग लोकेशन पे गई थी, एंड यू नो व्हाट, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे पैसे लेकर ही छोड़ेगी। अरे लीजा, इट्स एब्सोल्युटली ओके, रिलैक्स। पता अगर तुम दो तीन घंटे देर से भी आती ना, तब भी मैं तुम्हें यही मिलता। अच्छा, तुम्हारे इंतजार में। एंड यस, सॉरी सॉरी, इसे कहने की जरूरत नहीं है लेकिन कह डा रही हो यार, कसम से। लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू। अच्छा लीजा, वो थीम वगैरह के बारे में यार तुमने कुछ सोचा? इस लोकेशन के हिसाब से कुछ रॉयल थीम होना चाहिए, राइट? कुछ हिस्टोरिकल डेकोर करते हैं। That will be perfect. Okay, so colors, you know, golden and white. और उसके साथ अगर हम red और maroon का mixture करें तो you know थोड़ा सा contrast मिलेगा। I know, great यार। और हम ना वहाँ पर बड़ा सा झूमर लगाएंगे। I am so excited. So am I. Amazing यार। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? Sorry? I think थोड़ा ज़्यादा हो रहा। Excuse me? मुझे लगता है कथा भाभी को थोड़े मिनिमल और थोड़े मॉडर्न डिजाइन ज्यादा पसंद आएंगे। वी शुड गो समथिंग इन म्यूटेड कलर्स एंड मे बी सम फ्लोरल मोटिव्स। मैडम ये ना पंजाबी शादी है तो म्यूटेड कलर्स का नाम लेकर ना घोर पाप मत कीजिएगा। यार कथा और विहान जब साथ चलेंगे ना तो राजा और रानी ही दिखने चाहिए। एग्जैक्टली। दीजा सुनना यार, लगे हाथ ना हम भी शादी कर लेते हैं। पता क्या है, ये वेन्यू देखकर ना मेरा मूड बन गया है यार, किसी का हमेशा हमेशा के लिए हो जाने का। हो जाए एक दूसरे के, हो जाए, कर ले शादी। चल अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी से जब देखो क्या आदमी है, कितना चेप हो रहा है लड़की के साथ, साफ पता चल रहा है ओवर एक्टिंग कर रही है। अच्छा बेटे, तो ये गेम चल रही है, चलो हम भी कुछ गेम खेल लेते हैं। यार ऐसा ना, यार मैं सोच रहा था, I'm convinced. I'm totally convinced. किस चीज़ की? शादी की बात हो रही है ना, तुम दोनों तैयार हो? एक काम करते हैं, अभी के अभी तू बोल हाँ, बस आधे घंटे के अंदर सारी तैयारी कराऊंगा, अभी के अभी शादी, बोल। बोलो 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 जल्दी, डन है सब, ओके ना? मजाक कर रहा है ना भाई, गुड वन ना? नहीं नहीं, अब आप पीछे नहीं हट सकते ऐसे सर, अभी आपने बोला आपका मन है तो लड़की तैयार है, मंडप तैयार है, साथ ही साथ अपनी पट लीजिए। देखिए वैसे भी लीजा बहुत डिमांड में, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं उसे लेके भाग जाऊंगी। What's wrong with you guys? Guys, Priyan और कथा की शादी पे पहले फोकस कर ले। Exactly. लीजा बहुत काम है। Let's get back to work. थीम शुरू करें। हाँ, थीम बताओ यार, क्या-क्या तुम्हारे आइडिया? हाँ, so ये सुबह सुबह अभियान कहाँ चला गया? उसे तो ऑफिस जाना नहीं था। हाँ स्पोर्ट्स क्लब गया होगा। शर्त लगाएगी? कथा से मिलने गया होगा। There you go. आओ बच्चों। है माँ। कथा जी आज मौसम कैसा है?
कम सिट कम बैठ। डोंट वरी बच्चे, फैमिली में ऐसे झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे, यही तो हेल्दी फैमिली की निशानी होती है। सो नो बिग डील। एब्सोल्युटली। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मेहंदी सेरेमनी के इनवाइट्स भेजने हैं, तुम दोनों अपने अपने लिस्ट्स देख लो, और कथा कविता के पास तुम्हारी लिस्ट है। माँ, एक्चुअली मैंने और कथा ने कल के बारे में बात की, और हमने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले मैं और कथा कुछ चीजें क्लियर कर लें। दैट्स व्हाई इट्स ग्रेट आप दोनों भी यहीं हैं। आरफ के कुछ रूल्स हैं जो हम आप दोनों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बताइए क्या रूल्स बनाए हैं आप लोगों ने? सो द थिंग इज कि हम सब जानते हैं कि हम सब आरफ का बेस्ट ही चाहते हैं, पर वो बच्चा है तो कुछ बातें हैं। पहली बात कि वो जिस स्कूल में जा रहा है वो वहीं कंटिन्यू करेगा। या उसके रूटीन में, उसके स्केड्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और अगर हमें कोई चेंजेस करने होंगे तो हम सब डिस्कस करेंगे और फिर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। शी मींस कोई भी डिसीजन, कितना भी छोटा, जैसे मासी सॉरी कोई टॉय लेना हो वो भी। हर साल हम लोग आरफ की ग्रोथ देखेंगे, वो नए एनवायरनमेंट में कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब समझने के बाद ही हम आगे की प्लानिंग करेंगे, ताकि उस बच्चे के लिए कि सारे चेंजेस कुछ ज्यादा ही ना हो जाए, उसे टाइम मिले एडजस्ट करने का। लो दीदी, ये तो अभी से कथा के साथ हो गया, दोनों टीम बना लेंगे तो मेरा क्या होगा? अभी जरा मुझे कुछ बात करनी है लीजा से, प्राइवेट में, अकेले में, चलें? लैपटॉप। मुझे भी तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसे सर को क्या हुआ है? कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं बिहेव कर रहे? पता नहीं यार, ये इस बंदे का कुछ समझ नहीं आता, हमेशा ही ऐसा करता रहता है। वियर्ड सा है थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरे वियर्ड है। डूड, व्हाई यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ? व्हाट? यू नो व्हाट, तेरी आंखों में दिखता है दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर। वियान की बहन है वो। ये सब फीलिंग्स लीजा ने मैंने पैक करके फेंक दिए रेबिनसी में। देख लीजा, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा एजेंडा ना काफी क्लियर है। तू मेरी गर्लफ्रेंड है ब्रो, उसकी नजरों में, सुन रही है? और जब तक उसे लगता रहेगा दैट वी गाइस आर डेटिंग, आई एम सेफ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नो, वरना भाई की शादी में मेरी बर्बादी हो जाएगी। ओके, व्हाटएवर सूट्स यू। ऑल्दो इट्स अ वेरी डम आइडिया, बट आई एम ओके विद दिस। थैंक यू, प्लीज। अच्छा सुन, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज, बाय बाय। अपने आप को बचा लेना उससे। बाय बाय। ये जो तू लीजा को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाने का नाटक कर रहा ना, ये सब मत कर, फेक लगता है। तेरे चेहरे पे ना वान्या के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। आई होप उसे भी दिखता हो। तुझे चेहरे पे सब दिखता है भाई, सही है। आई मीन, अगर फिर ये भी बता दे मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हुए, निकाल लूं या होल्ड करो? नहीं, तू और पैसे डाल। शाबाश भाई, बात तो सुन। होपलेस। सॉरी वान्या, यानी मेरा सच्चा प्यार है। सुमा मासी, वी अंडरस्टैंड, लाइक वी अंडरस्टैंड कि आरव एक बच्चा है, और हम सब उसे प्यार देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं तो उसे पूरा बिगाड़ना चाहता हूँ। पर बिगड़ा बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है, और बिगड़े आदमी बिल्कुल क्यूट नहीं लगते। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सबका मन करता है उस पे सब लुटाने का, लेकिन ये सब हम अपने लाड के लिए ना करें, उसके भले के लिए करें।
और जो भी बात है हम इस बारे में हम ओपनली डिस्कस करें। बेटा सच कहूं तो हमने इतना सब कुछ सोचा ही नहीं था। आई मीन हमने बस बच्चा देखा और उसके मुंह में बहते चले गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।